गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एसपी में हम लेटर नंबर 3 पढ़ेंगे। लेटर नंबर 2 एसडी कॉल संबंधित जानकारी हमने पूरा कर लिया था। आज है समांतर लाइन प्राप्त करने हेतु टेलीफोन विभाग को आवेदन पत्र। यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये एड्रेस कहाँ आएगा? राइट साइड पर। तो राइट साइड पर हमारा पता है और फ़ोन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। फिर तारीख 2 सितंबर, फिर तारीख के बाद क्या लगाया हुआ है? कोमा 2017, महीना पूरा और फिर कोमा। खास याद रखना, तारीख की लाइन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सामने कंपनी का पता, तो ये फ़ोन के बारे में है तो BSNL कंपनी का पता है। उसके बाद विषय, एक ही टेलीफोन नंबर पर समांतर लाइन प्राप्त करने के संबंध में। तो समांतर लाइन का मतलब ये है कि एक ही नंबर के अलग अलग 3-4 फ़ोन। देखो, जैसे अपनी घर पे या ऑफिस में ऐसा भी होता है कि ऑफिस ऊपर और नीचे दो जगह होती है, तो एक ही नंबर के 2 फ़ोन लगा देते हैं ऊपर और नीचे, दोनों जगह रिंग बजती है, ऊपर से उठाते हैं कई बार, तो उनको अगर नीचे सूचना देने कि आपको उठाना है तो वो एक नंबर दबा देंगे तो रिंग नीचे जाएगी और नीचे वाले उठा लेंगे इंटरकॉम की तरह। तो इसी तरह एक ही नंबर के अलग अलग फ़ोन यूज़ करना, और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं जहाँ पर ज़रूरी काम होते हैं, अंदर अंदर एक दूसरे को बात करनी होती है तब ये सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। एक विभाग से दूसरे विभाग में बात करनी हो तो विषय हमारा यही है कि टेलीफोन नंबर पर समांतर लाइन प्राप्त करना। तो लिख दीजिए कि इस विषय में पत्र है, संबोधन और पत्र। आपको मालूम है पत्र की शुरुआत में हमें अपने व्यवसाय और पत्र क्यों लिखा है ना, ये बता देना। तो आपको अपने व्यवसाय में यहाँ पर जो भी है, ज़रूरी आप इसी शब्द का उपयोग करो। आप अपने व्यवसाय का कुछ भी नाम दे सकते हो, हमारी स्कूल है ये कह सकते हो, हॉस्पिटल की सुविधा है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, या हमारा न्यूज़पेपर का एक बड़ा ऑफिस है, या एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, कुछ भी, गेम जोन है, या कोई बड़ा मॉल है जिसमें अलग अलग 3-4 फ्लोर है तो ऊपर नीचे सब जगह बात करने के लिए एक ही नंबर के 3-4 फोन, ऐसे कुछ भी आप कारण लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखो, और ये लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर जो पता ये था ना, उसी का यहाँ पर है कि हमारा भाई सारथी बिजनेस हाउस वापी में एक बहुत अच्छा हमारा व्यापारिक प्रतिष्ठान है, और GIDC रोड पर हमारी यह विभाग आया हुआ है, और हमारे इस व्यवसाय के विभाग में अलग 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 यहाँ पर संचालन विभाग, उत्पादन विभाग लिखा हुआ है। आप लिख सकते हो कि कार्य अलग 3 कार्यालय है हमारे यहाँ। फिर आप अगर आप वृद्धाश्रम के, अगर आप वृद्धाश्रम का उदाहरण ले रहे हो यहाँ पर, तो वृद्धाश्रम में एक अलग 3 फ्लोर है, तीनों फ्लोर पर एक एक फ़ोन की सुविधा चाहिए। अगर आप स्कूल का उदाहरण ले रहे हो तो स्टाफ और ऑफिस के यूज़ के लिए एक ही नंबर के 2 फ़ोन चाहिए, ऐसे कारण लिख सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इनका जो भी प्रतिष्ठान है उसमें संचालन विभाग है और उत्पादन, ऐसे 2 अलग अलग डिपार्टमेंट, और दोनों डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए एक ही नंबर, एक ही जगह फ़ोन होगा तो क्या होगा? आपको सिर्फ समझा रही हूँ अभी मैं कि संचालन विभाग की ऑफिस के अंदर फ़ोन होगा तो उत्पादन, दोनों अलग अलग जगह पर है तो उत्पादन विभाग वाला दौड़ के फिर चल के आएगा, फिर फ़ोन लेगा, तब तक कोई वेट नहीं करेगा, और ये विभाग वाला है तो आसानी से उठा लेगा। अब इस विभाग वाले को अगर फ़ोन यहाँ पर रखा है तो इसको चल के जाना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि दोनों विभाग के अंदर टेलीफोन रख देते हैं, रिंग दोनों जगह बजेगी, यहाँ से किसी ने उठाया और अगर इस विभाग का फ़ोन हुआ तो वो फ़ोन नीचे रख के एक बटन दबा देंगे जिससे वहाँ रिंग बजती रहेगी, फिर वो उठाएंगे, इस तरह से कार्य होगा। तो दोनों विभाग है, फिर यहाँ पर बता दिया पत्र क्यों लिखा है कि भाई हमारा यह व्यवसाय है, यह व्यवसाय इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, इस जगह पर आया हुआ है, और हमारे व्यवसाय में 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो इस डिपार्टमेंट में हमें समांतर लाइन की कॉल की सुविधा प्राप्त करनी, इसलिए हमने आपको यह पत्र लिखा है। पहला पैराग्राफ हमने इतने लेटर देखे तो यही खास करना है कि अपने प्रतिष्ठान की चर्चा करो। जैसे बैंक वाले आया था तो क्या लिखा था, भाई मेरा आपके बैंक में इतने वर्षों से बैंक में खाता है, यह नंबर का खाता है, और मैंने आपको इस आपके प्रतिष्ठान का यह उपयोग हम कर रहे हैं, हम बहुत संतुष्ट हैं, और इस विषय में मैंने आपको पत्र लिखा है। पहले पैराग्राफ हमेशा ये होता है, अपनी पहचान दो और पत्र के बारे में बताओ।
तो इसने पहले व्यवसाय की पहचान दे दी और कर्मचारीगण को फिर आपने पत्र क्यों लिखा है वो बता दिया कि भाई हम हमारे कामकाज के संबंध में कर्मचारियों को अन्य इकाइयों के साथ या अन्य इकाइयों को कर्मचारी के साथ बात करने के लिए टेलीफोन की एक समांतर लाइन की सुविधा प्राप्त करनी, इसलिए हमने आपको ये पत्र लिखा है। फिर यहाँ पर हाल में सारथी बिजनेस हाउस में टेलीफोन कनेक्शन है जिसका नंबर, फिर नंबर देना है, ये नंबर है, इस नंबर पर आपके टेलीफोन विभाग के द्वारा दी जाने वाली एक से अधिक समांतर लाइन, एक से अधिक फोन लाइन होती है, तो नंबर वही का वही रहता है पर फोन की सुविधा कनेक्शन अलग, तीन चार जगह पर वायर फैलाना और तक कनेक्शन दे देते हैं, तो यह सुविधा हमें प्राप्त करनी है, इस विषय में हमने आपको यह पत्र लिखा हुआ है। इस यह समांतर लाइन आप, मैं आपको ऐड करके अलग से बता रही हूँ, यह समांतर लाइन प्राप्त करने से हमारे व्यवसाय को बहुत फायदा होगा, हमारे कर्मचारी को एक जगह से अन्य जगह पर घूम के आना नहीं पड़ेगा, सामने किसी का अगर फोन आया हुआ है तो उनको राह नहीं देखनी पड़ेगी और तुरंत हमारा काम हो जाएगा, जिससे प्रतिष्ठान के कार्य में कोई रुकावट भी आएगी नहीं, आप ऐड कर सकते, जिससे हमारे टेलीफोन में होने वाली व्यापारिक सरलता से तुरंत हो सके। उपयुक्त सुविधा प्रदान करने हेतु जो कार्यवाही करने की कृपा करें, आवश्यक जो भी कार्यवाही है वो करें, हम जो भी इस सुविधा प्राप्ति हेतु हमें जो भी चार्ज लगाना पड़ेगा या जो भी कागजात आपको जमा करने पड़ेंगे वो हम आपको पहुंचाएंगे, तो हमें जानकारी दीजिए कि हमें इसके लिए क्या चार्ज और कौन से डॉक्यूमेंट या कौन से प्रमाण आपको देने पड़ेंगे। आभार, आपका विश्वसनीय, पहले सिग्नेचर करनी है, फिर नाम लिखना है और होदा फिर बताना है, क्योंकि ये संस्थान है, जब भी संस्थान, जब कोई पर्सनल व्यक्ति फोन, ये जैसे बैंक में पर्सनल व्यक्ति ही पत्र लिख रहा था इसलिए उसने अपना होदा नहीं दिखाया था, लेकिन यहाँ पर आप संस्थान पत्र लिख रही है तो होदा दिखाना बहुत ज़रूरी, और पूरे पत्र को बॉक्स में बांधना है। कुछ कुछ चीज़ें मैं खास बार बार दोहरा रही हूँ, तारीख के बारे में, पते के बारे में, विषय के बारे में, संबोधन के बारे में, यहाँ पर लाइन खाली रखनी है, सिग्नेचर के बारे में सिग्नेचर करके फिर अपना नाम लिखना है, फिर पूरे पत्र को बॉक्स में बांधना, ये सब बातें बहुत ध्यान रखना। 5 मार्क्स के 5 पत्र, यानी 25 मार्क्स, जो सबसे इजी है, और ये पत्र तो बना बना के लिखने हैं, तो जो बातें मैं बार बार दोहरा रही हूँ तो दोहराने से क्या होगा कि आपके दिमाग के अंदर वो बातें रट्टा हो जाएगी, आप नींद में भी पत्र के बारे में बोलोगे तो हाँ मैडम हर रोज बोलते हैं, तारीख पूरी लिखना है, महीना लिखने के बाद शब्दों में महीना लिखना है, फिर कोमा करना है, उसके बाद हाँ मैडम ने कहा विषय, तारीख की लाइन में कुछ नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए, विषय संबोधन, फिर पत्र का मध्य हिस्सा होने के बाद हाँ बार बार मैडम बोलते थे कि आपका विश्वसनीय, फिर सिग्नेचर करनी, सिग्नेचर के बाद हाँ नाम लिखना है, जब भी आप लिखोगे आपको तुरंत ऐसे लिखते हो तुरंत याद आ जाना चाहिए कि हाँ मैडम बार बार ये चीज़ें दोहराते, आपको रट्टा हो जाना चाहिए, और मैं जानबूझ कर दोहरा रही ताकि आपकी गलती ना, और 25 मार्क्स में आपके एक भी मार्क्स कटे नहीं, ठीक है, तो फिर आपको बाद में ज़्यादा मार्क्स कवर करने में, जितने ज़्यादा मार्क्स आप कवर करोगे उतना आपके प्रतिशत बढ़ेंगे, एसपी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स ज़्यादा लोगे तो प्रतिशत बढ़ जाएंगे। लेटर नंबर 4, आई कर पात्र न होने से डिमांड नोटिस रद्द करने हेतु पत्र। यहाँ पर क्या हुआ है कि आयकर विभाग के द्वारा नोटिस आई हुई कि आप इनकम टैक्स भरो, लेकिन यह व्यक्ति कहता है कि आपने जो नोटिस भेजी है वो गलत है, आपसे गलती हुई है क्योंकि हमने इनकम टैक्स तो भर दिया हुआ है फिर भी आपने नोटिस भेजी, आप जांच करें। इस तरह से इसने पत्र लिखा है कि भाई आपसे गलती से नोटिस आ गई, आयकर विभाग को पत्र लिखा है, तो यहाँ पर अपना पता इस तरफ लिखना है, तारीख, तारीख की लाइन में कुछ नहीं हो चाहे, फ़ोन नंबर, हमारा पता, विषय डिमांड नोटिस रद्द करने संबंध में, और संबोधन, तो ये हिस्सा क्लियर है, ये पता खास ध्यान रखना, आपको राइट साइड पर ही लिखना है, यहाँ पर भले जो भी हुआ है मिस्टेक है। उसके बाद यहाँ पर पहला आपको मालूम, पहला पैराग्राफ आपको क्या करना है कि जो आपने अपना एड्रेस लिखा है ना वही, कि भाई हम डमडम विभाग, यहाँ पर डमडम आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, हम ज्योति स्टोर्स के नाम से पिछले 10 वर्षों से गांधीनगर में व्यापार कर रहे हैं, ज्योति स्टोर, आप स्टील का सामान ले सकते हो, सोने चांदी का व्यापार बता सकते हो, अपना स्टील का व्यापार बता सकते हो, कपड़ों का व्यापार बता सकते हो, कोई भी, कि भाई ज्योति नाम की कपड़ों की हमारी एक होलसेल नाम की शॉप है, यह शॉप बॉम्बे मार्केट के अंदर आई हुई है और हम ये बॉम्बे मार्केट सूरत में व्यापार कर रहे हैं, आयकर के हर एक नियमों का हम समय पर पालन कर रहे हैं, हम जो आयकर रिटर्न भर रहे हैं उसका मेरा पान नंबर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, तो पान नंबर बता दीजिएगा, यहाँ पर कैपिटल शब्दों में आप कैपिटल शब्दों में 4 से 5 कैपिटल अक्षर ABCD के दर्शा देना और 4 नंबर का आंकड़ा दर्शा देना, ये मेरा पान कार्ड नंबर है, फिर मैं आपके आयकर विभाग के, यहाँ पर नहीं है फिर मैं बता रही हूँ, आपके आयकर विभाग के द्वारा हमें डिमांड नोटिस जो मिली हुई है उसमें कुछ भूल हुई है, इस विषय में आपको जानकारी देता हुआ हमने यह पत्र
लिखा हुआ ये ऐड करना। उसके बाद हमारा मूल्यांकन वर्ष, देखो ये कब लिखा है, 2017 मतलब शुरुआत, तो चालू वर्ष में पिछले साल का इनकम टैक्स आता है बराबर। तो इसने लिखा है कि भाई 2015-16 के अनुसार हमारा जो भी इनकम टैक्स था 7000, आप 10000 लिख सकते, कुछ भी अमाउंट लिख सकते हो, 10000 आयकर भरना शेष है। इस प्रकार से आपके द्वारा हमें एक नोटिस मिली हुई है बराबर है। तो जुलाई, ये 2016 ही लिखना है यहाँ पर ना, 17 नहीं लिखना, क्योंकि ये मार्च में हमारा वर्ष पूरा हो जाता है ठीक है। तो जुलाई 2016 के दिन हमें नोटिस मिली हुई है कि आपको पिछले साल के आयकर 7600 या 10000 भरना शेष है। यह नोटिस कदाचित भूल से दी गई है ऐसा हमें लगता है। गत वित्तीय वर्ष में हमारी आय अगला, यहाँ पर 2016 ही लिखना आप ठीक है। यहाँ पर सितंबर लिखा है तो उसके आगे का महीना लिखना, अगस्त जुलाई जून ऐसा कुछ भी, मई ऐसा। गत वित्तीय वर्ष में हमने आय अगले वर्ष की अपेक्षा से कम हुई। अब हमारी जो आय अगले वर्ष हुई थी उससे अपेक्षा कम हुई है, तो उस हिसाब से हमारी एवरी ईयर एवरेज होती है ना, कि भाई 14-15 में 10000 था, अब 15-16 में मुनाफा कम हुआ है तो 8-9 हज़ार आय होगी, तो हमारी अगले साल की तुलना में आय कम हुई। अगर ये कारण नहीं दर्शन, आप आज सिंपल सी बात में ये लिख सकते हो कि मूल्यांकन वर्ष 15-16 के अनुसार आपने हमें 10000 आयकर भरना शेष है, ऐसी नोटिस भेजी है। ये नोटिस आपने हमें जुलाई 2016 में भेजी हुई है। इस नोटिस को मैं आपको बताना चाहती हूँ, भूल से शायद हो गई है, क्योंकि हमने गत वर्ष का जो भी आयकर है वो हमने भर दिया हुआ है, और ये कारण दर्शाना ज़रूरी है। और फिर भी आपके यहाँ से नोटिस आई है तो कृपा आप इसकी जाँच करें कि ये किस प्रकार से हमें कोई नोटिस आ गई है, और आप जल्दी से इस पर कार्यवाही करें। और हमारी तरफ से अगर कोई गलती हुई है तो आप हमें भी सूचित करें। लेकिन मैंने जो रिटर्न भरा हुआ है इसकी रसीद मैं इस पत्र के साथ आपको भेज रहा हूँ कि भाई मेरी कोई भी आय भरनी शेष है ही नहीं, फिर भी मुझे नोटिस आई हुई है, तो आप ये मेरी रसीद भरी हुई जो रसीद है वो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप उसको जाँच कीजिए। तो इस पत्र के साथ मेरे द्वारा जो प्रस्तुत किया हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न जांच की जो भी कॉपी है मैं आपको भेज रहा हूँ, कृपया तुरंत आप उस पर ध्यान दीजिए और कार्यवाही कीजिए, ऐसी मुझे आपसे अपेक्षा है। आपका विश्वास, यहाँ पर कुछ और कारण लिया, यहाँ पर क्या लिखा है कि मेरा इनकम इतनी हुई नहीं थी कि मैं टैक्स भरूँ। जो इनकम टैक्स होता है वो कुछ मर्यादा होती है कि भाई 5 लाख से कम हुआ है तो उसके ऊपर आपको टैक्स भरना नहीं है, और 3 लाख है, हर एक व्यवसाय में अलग अलग एक लिमिट है, उस हिसाब से इनकम टैक्स। तो बोला कि हमारी आय हुई ही नहीं है तो मुझे उस पर इनकम टैक्स भरना ही नहीं है, तो मेरी आय कर पात्र है ही नहीं, ये कारण लिया हुआ। और मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आयकर भर दिया फिर भी नोटिस आई हुई, ये कारण दर्शाया। तो कुछ भी आप कारण बना के लिख सकते हो, बस आपको इतना मालूम है कि आपको क्या दर्शाना है कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस भेजी हुई है वो गलत है, ये आपको पत्र में दर्शाना है ठीक है। इस तरह से आपको पत्र लिखना है, उसके बाद आपका विश्वसनीय सिग्नेचर करनी, सिग्नेचर करने के बाद नाम लिखना है, और फिर होदा, क्यों, क्योंकि ये बिजनेस से लेकर पत्र। और आपने यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, मैंने साथ में कुछ भेजा है, क्या भेजा है आपने, इनकम टैक्स की रसीद। तो यहाँ पर ये इसने पिछले साल की रिटर्न भेजी है, हमें यहाँ पर करंट ईयर की हमने रिटर्न नकल जो भी है वो भेजी हुई ठीक है। आज के लिए इतना, दो पत्र देखे हमने, 3 और 4 पेज नंबर 22 पर ठीक है।